मतलब यूनिवर्सल है। यह हवाई और जमीनी दोनों टारगेट्स को निशाना बना सकता है, जैसे कि यह जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को मार गिरा सकता है। यह बख्तरबंद वाहनों और इन्फेंट्री क्लस्टर्स को भी आसानी से तबाह कर सकता है। जर्मनी में प्रशिक्षकों ने हमें 1.5 महीने में अच्छी तरह ट्रेनिंग दी। यह ट्रेनिंग तेज गति वाली थी क्योंकि हमें जल्दी वापस आना था। हमें अच्छी तरह से सिखाया गया और हम इक्विपमेंट को अच्छी तरह से जानते हैं। एक बारटेंडर के रूप में मैं कॉकटेल में आग लगाता था, अब मैं मिसाइलें और शेखेट जलाता हूँ। कुछ इस तरह से मेरा जीवन बदल गया है। पहले हमारे शॉट के बाद आसमान में धमाका देखकर हमें खुशी होती थी, फिर हमें समझ आया कि हमें कुछ और भी चाहिए, हमें और टारगेट्स को भी निशाना बनाना होगा। बेशक हम समझते हैं कि यह हमारी छोटी जीत है और हमें उम्मीद है कि यह हमें बड़ी जीत के करीब ले जाएगी। हमने पहली मिसाइल 5 दिसंबर को दागी। यह भयानक था। आप मेरी भावनाओं को वीडियो पर सुन सकते हैं। हम वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जो हम पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि अगर हम टारगेट को नहीं रोकेंगे तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है। मैं इस बात से प्रेरित हूँ कि कुछ लोग बाहर से हमारी जमीन पर आए और उस पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि यूक्रेन हमारा है। यही बात मुझे प्रेरित करती है। बहुत सारे मानव जीवन हम पर निर्भर हैं। अगर हम टारगेट को नहीं रोकेंगे तो दुख होगा। बिना आराम करे हमेशा तैयार रहने के लिए इस वक्त हमारे पास पर्याप्त काम है। हम काम के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारा दुश्मन हमें काम देता ही रहता है।